detective, Sargun as herself, and Mubin as various characters. Oh, Vipul Shah. शुरू हो गए। विलेन स्पेशल। लगता है कोई फिल्मी विलेन फ्री नहीं रहा होगा तभी खुद आके बैठ गए। पर अच्छी बात है सर, मैं आपको सही बोलता हूँ, फिल्मों वाले विलेन जितने मर्जी बड़े हो जाएं, रहेंगे फिल्मी। आप डिजर्व करते हैं। संजीव शर्मा नहीं आए, दूसरे प्रोड्यूसर, दूसरे विलेन नहीं आए। अलग अलग डकैतियां कर रहे हो आजकल। अब तो आ ही गए हो, सारी फैमिली आ गई। एंकरिंग भी भांजे से करवा लो फिर। वैसे भी इतनी निकरे पहन के घूमता रहता है सेट पे। लेकिन एक बात है, टांगे हैं उसकी इससे ज्यादा अच्छी है। ये डायरेक्टर के बारे में ऐसा नहीं बोलते। ओहो, आज मामा शूट पे आया तो भांजा भी आ गया। कंट्रोल रूम में क्या कर रहे हो? जब भाग के जूस ले गया दो। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे विपुल सर बड़े अच्छे आदमी, कला के बड़े प्रेमी हैं, क्योंकि खुद भी राइटर रहे हैं। ऐसी बात नहीं, अपनी लिखते, अब भी लिखते हैं, लेकिन अब ज्यादा ध्यान कॉन्ट्रैक्ट लिखने में रहता है इनका। कल ये चले गए जाकिर हुसैन के पास, उनको जाके कहते आप तबला नहीं बजा सकते, क्योंकि ऐसा सेम इंस्ट्रूमेंट रात 10 से 11 हमारे शो में बजता है, तो सेम टाइम स्लॉट पे आप तबला नहीं बजा सकते। खैर, मैं यहाँ का नंबर 1 डिटेक्टिव हूँ। हम लोग बाईं आंख से बंदे को बचा लेते। बंदा है कैसा? ये जो पिंकू है ना, पिंकू ये इतना ढीठ आदमी, आपको मैं बता नहीं सकता क्या क्या करता है। ये कहता कभी भी सलमान खान से फेस टू फेस मिलना हो मेरे घर पे आ जाना। मैं गया, मैंने कहा कहाँ है सलमान खान? कहता 5 मिनट रुको, अभी ऐड आ रही है, अभी आएगा। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है सर। इधर आओ, अच्छा खुल के परफॉर्म करो, प्रोड्यूसर आया। यस, क्या हुआ? कल अंधेरी रात में ना मुझे किसी विलन ने छेड़ा। ओह माय गॉड, लगता है अंधेरा काफी ज्यादा था। हेलो, 1 मिनट, आवाज नहीं आ रही। हेलो जी, इंस्पेक्टर पाटिल, हमारे इलाके में किसी ने हमारी लड़की को छेड़ दिया है। इस इलाके के जितने भी ब्लैक लिस्टेड विलेन है सबको भेजिए, मुझे तफ्तीश करनी जल्दी से। वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। शर्म नहीं आती तुम्हें? घर पे बाप की डेथ हुई, तुम लड़कियां छेड़ते फिर रहे हो। तुम्हें किसने कहा कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई है? तो ये टकला क्या छुरियां तीखी करने के लिए करवाया? लगता है तुम शाकाल को जानते नहीं हो। अरे मैं एक बटन दबाता हूँ और बड़े बड़ों को ऊपर पहुँचा देता हूँ। ओह, लिफ्ट मैन हो। हर चीज इतना जोर जोर लगा के क्यों बोलते हैं? हाँ यार, मेरे को भी एक बात समझ में नहीं। ए फ्रेंड, ये तेरा जिस दिन पेट खराब हो तो तू किसी को नमस्ते नहीं कर सकता। हैं? बकवास बंद करो और ये बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। कल रात कहाँ थे तुम? मैं कल रात कॉमेडी सर्कस देख रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि उस शो में भी मेरी तरह दिखने वाला एक बंदा उस शो को डायरेक्ट करता है। तेरी इतनी मजाल, तेरी इतनी औकात हमारे डायरेक्टर के साथ अपना मुकाबला करता है? अपनी शक्ल देखी आईने में, साले तू ज़्यादा अच्छा दिखता है। ए, डायरेक्टर के बारे में ऐसा नहीं बोलते। तू अभी जूस लेने गया नहीं बे? तूने क्यों छेड़ा इस लड़की को? इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो? अरे मैं ऐसी घिनौनी हरकतें नहीं करता। मैं स्मगलिंग करता हूँ, हथियारों की सप्लाई करता हूँ और अपने दुश्मनों को मगरमच्छ के आगे डाल देता हूँ। हथियारों की स्मगलिंग करते हो? इधर बैठो, बैठो इधर। मगरमच्छ के आगे डालते हो लोगों को, स्मगलिंग करते हो। सॉरी, हमें गलती से फोन लग गया, हमने तो शकाल पान वाले का फोन किया था। सॉरी, आप गुस्सा मत करिएगा। आपको ज्यादा गुस्सा है ना तो इसको फोड़ के पिया करो, गर्मी में ठंडा रहता है। सॉरी, माफी चाहते हैं। बदतमीज, खामखा मेरा वक्त बर्बाद किया। मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ जाओ, जाइए जल्दी जाओ। और डायपर पहना करो, वक्त का पता नहीं होता। ए लड़की, हाँ लगता है तुम मेरा समय बर्बाद कर रही हो। सुनो, तुम्हें जब किसी ने अंधेरे में छेड़ा तुम कैसे कह सकती हो कि वो कोई विलेन ही था? रात के अंधेरे में अगर कोई मुझे छेड़ेगा ऑब्वियसली वो विलेन ही होगा ना। शरीफ लोग तो घर जाके सो जाते हैं। अरे शरीफ लोग घर जाके सोते ना, आज इंडिया की आबादी 150 करोड़ नहीं होती। अरे कुछ शरीफ तो ऐसे हैं जो काम पे बैठे बैठे सो जाते हैं। ए लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? बरखा। देखो बरखरदार, जब कोई लड़की जवानी के घोड़े पर सवार होकर मस्ती की सड़कों पर दौड़ने लगती है तो वो दौड़ते दौड़ते बात भूल जाती है कि ये सड़क जाकर मैटरनिटी वार्ड पर खत्म होती है। ए तेरे नाम बोले तू साले फुसली दाढ़ी रख के हम पे रोल जमाता जा रहा है। कौन है तू? देखा एक लंबा डायलॉग क्या बोल दो मेन आर्टिस्ट को प्रॉब्लम हो जाती है। इतना भी अच्छा पंच नहीं था। हाँ वे कल रात को तुम 9 बजे कहाँ थे? इस शहर में नए आए हो साहब? अच्छा इस शहर में नए आए साहब? 3 साल से हुई इसमें साले नया तो तू आया पर जरा जुबान चलाई ना अगली बार तेरे सारे विलन गूंगे कर दूं मुक्का मार के मैं। क्या है तू? नाम क्या तेरा? बैठकर बातें करते हैं। जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए बैठोगे नहीं। हड़प हड़प नाम बता क्या है तुम्हारा? शेर खान। साले चिढ़ाता है। पहली बार किसी ने शेर खान को थप्पड़ मारा है। पहली बार मारा है। दूसरी बार किसी ने शेर खान को थप्पड़ मारा है। तीसरी बार किसी ने शेर खान को थप्पड़ मारा है। शेर खान क्यों बोलता जा रहा है? वैसे एक बात बताओ साहब शेर खान पर इतना गुस्सा क्यों है? नहीं बता सकता मैं। क्यों? बहुत लंबी कहानी है। यही तो प्रॉब्लम है कहानी तो नहीं है। कहानी होती तब तक फिल्म बन गई होती। कल रात को मुझे किसी लड़के ने छेड़ा है और मुझे पता है कि वो कोई विलन था। ओके शेर खान सब कुछ कर सकता है लेकिन ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता। तो फिर कल रात कहाँ था तू? मैं बस स्टॉप पर खड़ा था। ओह बच्चन साहब के साथ बस आई। मैं बस में बैठ कर निकल गया। बच्चन साहब वहीं खड़े थे। अच्छा बच्चन साहब क्यों नहीं गए? लगता है तुमने वो कहावत नहीं सुनी प्राण जाए पर बच्चन न जाए। वाह बहुत अच्छा चुटकुला सुनाया तुमने। 2 दिन अमृतसर क्या चला गया साले घटिया घटिया पंच स्क्रिप्ट में डाल दिए। ये घटिया पंच नहीं था यकीन करो। ये पठान अपनी मूंछ का बाल देता है। ये रख अपने पास। मूंछों वालों पे हमें वैसे ही एतबार उठ गया है। देखो मुझे लग रहा है कि मेरे केस के ऊपर से ना तुम्हारा सारा कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर जा रहा है। जिस इंसान ने कल मुझे छेड़ा था ना हाँ मुझे लग रहा है कि वो यही कहीं है। कैसे? मुझे ना उसकी परफ्यूम की आवाज आ रही है। 2 दिन में अमृतसर के चला गया ये घटिया घटिया पंच बहन भाई ने आपस में बांट लिए। परफ्यूम की आवाज आ रही है। कौन सा तेरा बाप बनाता है परफ्यूम? किसकी आवाज आती है? बेवकूफ बना रही है मेरे को। देखो हम दोनों भाई बहन नहीं है। ओके मैं माँ बाप के हिसाब से नहीं काम के हिसाब से बात कर रहा हूँ। हमारा काम एक जैसा है। बहुत हो गया सर अब और नहीं होगा। एक काम करो अभी क्या अभी इसे यहाँ से बाहर निकालो। बहुत बेइज्जती इसने मारी। सीधा क्यों नहीं बोलती मेरे को बाहर निकालो? तू क्यों नहीं निकल जाती? गलत कास्टिंग हुई है। पहली बार आपसे गलती हुई विपुल जी। ये कैसी कास्टिंग की? पर मैं एक बात बताऊं एक काम आपने बड़ा अच्छा किया जो सोहेल भाई को जज लिया। गुजराती दिमाग है ना इनको पता है शूटिंग होती है 500 लोग शूटिंग पे आते हैं यूनिट पे खाना बनता है खर्चा बचता है क्योंकि हर हफ्ते बिरयानी तो ले ही आते हैं। एक जज हमारा बिरयानी लेके आता है दूसरी जज बीच में से चिकन निकाल के ना लेग पीस उसको फेविक्विक से जोड़ के बेच आती मुर्गा। मुर्गे वाला कहता है बहन जी आप जो मुर्गा बेच के जाती है ये बोलता क्यों नहीं? कि थोड़ा शाही नेचर का है। विपुल सर तो वेजिटेरियन है कहते भैया मेरे को चिकन से क्या लेना देना मेरे को तो चावल दे दो मैं वही भेजाऊंगा। पर सर जी आपने एक काम बड़ा अच्छा किया है जो सोहेल भाई को जज लिया है। मेरे को कल एक बात बोल रहे थे कहते भाई तेरे को एक फिल्म और देनी है। मैंने कह दिया मैंने कहा नहीं भाई बैक टू बैक फिल्में मेरे से नहीं होती। अच्छा ना कैसे लगा आपको? थैंक यू। टू गुड। इस एक्ट में इतने सारे पंचेस थे कि अगर आप 10 एक्ट्स में भी इनके पंचेस बांट लें तब भी आपको 10-10-10 मिलते हैं। द टोटैलिटी ऑफ द एक्ट राइटर्स एंड टैलेंट ऑन स्टेज ब्रिलियंट। थैंक यू मैम। नंबर 1 विलन से पूछते हैं विपुल आपको इनका एक्ट कैसा लगा? एक ज़माना था टेलीविज़न पे के का ज़माना था जितनी सीरियल आती उसका नाम के से शुरू होता था। मुझे लगता है वो जो कंबाइन लोग सीरियल देखते थे जो आनंद लेते थे और जो टीआरपी मिलती थी वो अकेले आप के फॉर कपिल दे रहे हो। थैंक यू। और वो दिन दूर नहीं है सर वो दिन दूर नहीं है कि कॉमेडी का स्पेलिंग के से चालू होगा। फैंटास्टिक टाइमिंग 1 लाइन मास्टर्स और जो स्क्रीन प्रेजेंस है आपकी आप एक छोटे पंच को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हो। सरगुन फैबुलस, वेरी नाइस। मुबिन भाई प्राण में तो आंख बंद करके सुनो तो लगे प्राण साहब बोल रहे थे। फैबुलस, वंडरफुल एक्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सोहेल, हमारे कपिल भाई के लिए as thousand words. Thank you sir. Sargun, you are fabulous. Mubin Mia, very honestly, जो आपने दो characters play किए, for that you need a standing ovation. और ये एक बहुत शुभ मौका है कि मैं सबके सामने अगर मांगूंगी तो ना नहीं करेंगे। आप अपना वॉलेट दीजिए जरा, पर्स लाए ना। मुझे पता था ये होगा। लाओ लाओ लाओ। आज जो मैं नंबर देना चाहती हूँ उसका ही मैं एक निकाल रही हूँ। सोहेल, आप भी फॉर्मेलिटी के लिए बताइए दीजिए। Undoubtedly. 10 points. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.